Hey guys, welcome back to the new video. तो आज मैं आया हूँ कार जोन पे पास, जो कि पहले आपको मैंने दिखाई थी गाड़ियाँ जो कम सेगमेंट में थी, आज हैं प्रीमियम सेगमेंट। मतलब यहाँ पर आपको फॉर्चुनर, मर्सिडीज, ऑडी, एमजी, हेक्टर, तो सब गाड़ियाँ पे अवेलेबल होंगी। तो इसका डिटेल्स मैं आपको कंप्लीट देने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहो। मैं आपको मिलवाता हूँ भाई से, वो अभी पूरा डिटेल्स है, कवर करेंगे हम लोग इस गाड़ी का जितने भी हैं। तो चलो मिलते हैं आगे। तो अभी मेरे साथ है अरबाज भाई, तो इनके पास जो भी प्रीमियम कार्स अवेलेबल हैं वो गाड़ियों का भी डिटेल्स देंगे। तो अपने पास पहली गाड़ी अवेलेबल है क्विड। क्विड का किस कौन सा मॉडल है ये? 2016 का है। 2016 का मॉडल है, RXC टॉप एंड वेरिएंट है। RXC टॉप एंड वेरिएंट, पेट्रोल डीजल? पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। 45,000 किलोमीटर अराउंड गाड़ी चली है, कंडीशन अंदर से काफ़ी सही है गाड़ी का। और क्या प्राइस होगा भाई इसका? 2,35,000। एयरबैग्स वगैरह मिलेगा? एयरबैग्स भी आ जाएगा, ABS भी आ जाएगा, ब्लूटूथ नेविगेशन सिस्टम, तो ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा इसके अंदर। गाड़ी कंडीशन है, पीछे से दिखा दूँ, बैक में मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है अंदर। कितने लीटर का होगा बूट स्पेस में? 344 लीटर बूट स्पेस। बूट स्पेस ओके, 350 लीटर का। तो ये गाड़ी मिल जाएगी 2,000 कौन सा? 2,45,000। 2,45,000 कौन से ईयर का मॉडल? 2016 RXC टॉप मॉडल। ओके, तो ये हमारे पास एक दूसरी गाड़ी अवेलेबल है, डस्टर टेरेनो। अच्छा टेरेनो है, सॉरी निसान टेरेनो। कौन से ईयर का मॉडल होगा ये? 2015 का XV प्रीमियम टॉप वेरिएंट। XV प्रीमियम टॉप वेरिएंट। एयरबैग कितना आएगा? ड्यूल एयरबैग रहेगा। ड्यूल एयरबैग, फर्स्ट ओनर, अलॉय व्हील आएंगे, ABS सिस्टम आएगा इसके अंदर, दो एयरबैग आएंगे और 110 PS वाला इंजन रहेगा इसमें। 110 PS, दो इंजन आते हैं, 85 PS और 110 PS। ये 110 PS वाला 6-speed गियर वाला है। 6-speed गियर्स आएंगे इसमें, मतलब 110 काफ़ी ज़्यादा पावर होती है भाई। बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका, अंदर से कंडीशन काफ़ी सही है। स्टेपनी वगैरह भी अवेलेबल है ना? ठीक है, स्टेपनी वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा गाड़ी के अंदर। तो क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका प्राइस देखिए, वन शॉट 5,25,000 रुपीज़। 5,25,000 किलो रुपीज़ है। कितना किलोमीटर चली होगी? 75,000 किलोमीटर चली है। टेरेनो अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी गाड़ी अपने पास सुजुकी अर्टिगा। अर्टिगा है अवेलेबल है, और कौन सा मॉडल होगा? 2016 का VDI फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस। डीजल इंजन रहेगा, गाड़ी का कंडीशन काफ़ी सही है। वॉक अराउंड दिखा देता हूँ थोड़ा। कितना किलोमीटर घूमी होगी भाई ये? ओनली 53,000 किलोमीटर। 53,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, ज़्यादा चली नहीं है। टायर वायर का कंडीशन भी काफ़ी सही है। कितना प्राइस होगा इसका? 6,75,000। अंदर से मैं कंडीशन दिखा दूँ। एयरबैग्स कितना आएगा? डुअल 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 एयरबैग रहेगा। ओके, डुअल एयरबैग्स रहेगा। रिवर्स कैमरा भी अवेलेबल है। गाड़ी का कंडीशन अंदर से काफ़ी सही लग रहा है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। बैक में मैं दिखा दूं, बैक में भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, तो काफ़ी मतलब अच्छी गाड़ी है। कितना किलोमीटर घूमी होगी ये? 54,000 किलोमीटर। कंपनी सर्विस 52,000 किलोमीटर घूमी हुई है। नंबर भी सिलेक्टेड ही है, नंबर भी काफ़ी अच्छा है इसका, 777। तो कितना प्राइस है इसका? 5 लाख 6,75,000 में अर्टिगा अवेलेबल हो जाएगी। और आगे है हमारे पास फॉर्चुनर। फॉर्चुनर कौन सा मॉडल? 2014 का 4x2 ऑटोमेटिक। 4x2 ऑटोमेटिक डीजल है? डीजल 3 लीटर इंजन। 3 लीटर इंजन डीजल ऑटोमेटिक है, 6-speed ट्रांसमिशन। अंदर से कंडीशन काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, मैं दिखा दूँ अंदर। कितना किलोमीटर चली होगी? 1,31,000 जेन्युइन कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ। 1,31,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। बैक में स्पेस दिखा दूँ, बैक में काफ़ी अच्छा मतलब कंडीशन है गाड़ी का। सीट कवर वगैरह इंटीरियर देख रहे हो, काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। बैक में और भी स्पेस अच्छा है। तो कितना प्राइस है भाई इसका? इसका प्राइस है 15,75,000 जो कि नेगोशिएबल है। 15,75,000 नेगोशिएबल। तो ये आपको फॉर्चुनर अवेलेबल हो जाएगी 15 लाख में, बाकी लोन वगैरह का तो ये करवा ही देंगे। एक और फॉर्चुनर है अपने पास, कौन सा? 2013 दिसंबर की 4x2 ऑटोमेटिक। दो
गाड़ी सेम है, गाड़ी है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है, वो 2014 है, ये 2013 दिसंबर है। ओके, ये 2013 दिसंबर है, वो 2014 है, सेम है, डीजल इंजन है। कितना किलोमीटर चली होगी? 111,000 किलोमीटर। बैक में मैं दिखा दूँ, गाड़ी का कंडीशन काफ़ी सही है, टायर भी एकदम नई है, सेम ही है, गाड़ी का डीजल इंजन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और कितना प्राइस होगा भाई इसका? इसका 15 लाख रुपये, 15 लाख कम्प्लीट, कम ज़्यादा करके छोड़। नेगोशिएबल है, नेगोशिएट कर सकते हो आके आप, लेना है तो। परेली के टायर लगे हुए हैं सर, ब्रांड न्यू टायर्स है, ब्रांड न्यू है, गाड़ियों में ब्रांड न्यू टायर्स लगे हुए हैं। अंदर से मैं दिखा देता हूँ कंडीशन इसका, बैक में कंडीशन देख लो, काफ़ी अच्छा है अंदर, इंटीरियर वगैरह काफ़ी एकदम लग्जरी। बैक इधर भी दिखा देता हूँ मैं, अंदर काफ़ी सही लग रहा है गाड़ी तो भाई, मेरे को तो काफ़ी सही लग रही है। 15 लाख में अवेलेबल हो जाएगी। कितना किलोमीटर चली होगी? 111,000 है, 15 लाख में अवेलेबल हो जाएगी। 13 दिसंबर का मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अवेलेबल है सुजुकी सियाज पेट्रोल VXI फर्स्ट ओनर फुल इंश्योर। अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी का, सियाज कितना किलोमीटर चली होगी? 31,000 किलोमीटर चली है। अंदर कंडीशन वगैरह काफ़ी सही है गाड़ी का, और पेट्रोल वेरिएंट में मिलेगी। एयरबैग कितना होगा इसके अंदर? सिंगल एयरबैग। मैं अंदर से दिखा दूँ, कंडीशन काफ़ी सही है गाड़ी का, और इंटीरियर वगैरह भी अच्छा है, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना किलोमीटर चली है भाई ये? 31,000 किलोमीटर। कितना डिमांड है इसका? डिमांड है 6 लाख रुपये, कम ज़्यादा करके तो। ओके, 6 लाख रुपये है, बाकी कम ज़्यादा हो जाएगा गाड़ी में। और आगे बढ़ते हैं, पर दूसरी गाड़ी है, सेम मॉडल सेम वेरिएंट, डीजल इंजन। ओके, ये डीजल है, वो वे पेट्रोल है, ये डीजल है, सेम ईयर है, फर्स्ट ओनर है, कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ 65,000 किलोमीटर चला हुआ। 65,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, अंदर से कंडीशन वगैरह काफ़ी सही है, 5-speed ट्रांसमिशन आएंगे, बैक में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। कितना प्राइस बोल रहे हैं इसका? इसका प्राइस है 5,95,000 रुपीज़ है, फर्स्ट ओनर है, 65 कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ चला हुआ है, कम ज़्यादा करके छोड़। ठीक है, तो ये अवेलेबल हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं, दूसरी गाड़ी है ब्रीज़ा 2018 का मॉडल है, ZDA प्लस टॉप एंड वेरिएंट, जो कि अभी नई डीजल में अवेलेबल है नहीं। हाँ, तो ये डीजल में 2018 की सिर्फ 34,000 किलोमीटर रहने है, ड्यूल टोन टॉप एंड वेरिएंट। अंदर से कंडीशन है काफ़ी प्यारा, इंटीरियर है इसका। कितना एयरबैग है भाई इसमें? ड्यूल एयरबैग रहेंगे, पुश स्टार्ट गाड़ी है, पुश स्टार्ट, टॉप एंड वेरिएंट, ड्यूल टोन। कितना किलोमीटर चली होगी मैक्स? 34,000 ओनली 34,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। अंदर से मैं दिखा दूँ, इधर बैक में काफ़ी अच्छा स्पेस है, और इंटीरियर काफ़ी प्यारा है वैसे, एकदम नई रखी है गाड़ी, 2018 मॉडल है। जिनको मारुति में सिर्फ डीजल गाड़ी ही लेनी है, हाँ, क्योंकि अभी नई गाड़ी में डीजल बंद हो चुका है, उनके लिए बेस्ट नहीं है। वैसे भी ब्रीज़ा काफ़ी मतलब सक्सेसफुल कार रही है, माइलेज वगैरह। हाँ, क्या प्राइस रहेगा इसका? प्राइस 9,11,000 रुपये रहेगा। और कौन सी ईयर का मॉडल? 2018 मॉडल, सितंबर। 30,000 किलोमीटर रन है। ओके, 30,000 किलोमीटर रन है अपने पास है। अभी आगे मर्सिडीज़ कौन सा मॉडल है? ई क्लास है, 220। ई क्लास 220, टॉप एंड वेरिएंट है डीजल इंजन है। कितना किलोमीटर रन होगी है? 93,000 किलोमीटर। ओके, 93,000 किलोमीटर चली है ये, फर्स्ट ओनर रहेगा, 2012 का मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी रहेगी। बैक में काफ़ी अच्छा है, गाड़ी का कंडीशन एकदम फुल लग्जरी फील आएगा आपको। कितना प्राइस बोल रहे हैं इसका? इसका असली प्राइस है 11,75,000 रुपये, कम ज़्यादा कैसे छोड़ रहा है। 2012 का मर्सिडीज ई क्लास, E220D 2012, पूरी जेन्युइन ओरिजिनल पेंट में, और सारे फंक्शंस वर्किंग रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं आपका ऑडी। ऑडी A6 है, 2.7 सिक्स सिलेंडर इंजन वाला मॉडल है, 2011 का, सिक्स सिलेंडर लिमिटेड एडिशन वाला, सिक्स सिलेंडर वाला इंजन। गाड़ी मैं ओपन करके दिखा दूँ, गाड़ी कंडीशन काफ़ी सही है अंदर से। कितना किलोमीटर चली होगी भाई ये? 90,000
कि 90,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। और क्या प्राइस बोल रहे हैं इसका? इसका प्राइस है 10,75,000, कम ज़्यादा करके 10,75,000 है, लेकिन नेगोशिएट हो जाएगा, नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो जिस तरीके से। ये पेट्रोल है डीजल है? डीजल रहेगा, ऑडी A6 2.7 मल्टीट्रॉनिक टॉप इन वेरिएंट। ओके, फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस गाड़ी है। तो ये सारी है प्रीमियम कार्स अवेलेबल हो जाएंगी आपको, यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी गाड़ी दिख रही हैं सब प्रीमियम में है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मिडिल रेंज की गाड़ियाँ रखी थी, अगर आप चाहते हो देखना तो वो भी देख सकते हो। और जो भी रहेगा इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, बात कर लेना एक बार, जो भी रहेगा तो आप टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हो, उसी हिसाब से बात करते हो। बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पे लोन भी होगा तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, आपका जो भी RTO वगैरह का रहेगा वो भी कंप्लीट करवा के देंगे। और अदर स्टेट से कोई खरीदता है तो हो जाता है ट्रांसफर भी, हम लोग करवा देंगे नाम का जो भी NOC वगैरह जो भी हो वो कर। तो मतलब पेपर वर्क पूरा ही आपको करके देंगे, आपको सिर्फ गाड़ी लेके जानी है और चलानी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करना, बताना कि भैया अभी वीडियो देख के आए, थोड़ा बहुत और कम कर देंगे अपने हिसाब से। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और 15,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करने तो हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।